जैन साथियों, आज हम लोग देखेंगे वर्तमान में बिहार में कौन क्या है। वर्तमान में बिहार में कौन क्या है, यहाँ से आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो ये आपका है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर और यह बिहार का 41वें राज्यपाल है। ध्यान रखिएगा, यह बिहार के 41वें राज्यपाल है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकेंड पर। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कर आपका कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये आपका बना है सुनील कुमार। अभी आपका देखा जाए तो बिहार में शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान समय में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये आपका है न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन अभी वर्तमान समय में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और ये आपका संजय किरोल जो है, ये आपका उससे पहले था पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और जो ऑप्शन सी में है अरुण भंसाली, ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अरुण भंसाली है। और जो ऑप्शन डी में है विद्युत रंजन सारंगी, ये आपका झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ये आपका झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ है कि वर्तमान समय में बिहार के महाधिवक्ता कौन है, यानी एडवोकेट जनरल कौन है। बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है, तो ये आपका है पी के शाही, ऑप्शन बी होगा। पी के शाही वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता है, यानी एडवोकेट जनरल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये जो है सी में वेटिकर रमनी, ये कौन है, तो ये अभी भारत के महान्यवादी है। ध्यान रखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल है, भारत के महान्यवादी है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेटिकर रमनी ये आपका भारत के महान्यवादी है, जबकि पी के शाही बिहार के महाधिवक्ता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका फाइव पर। क्वेश्चन फाइव है कि बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी बिहार विधानसभा के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बना आपका नंद किशोर यादव को, ऑप्शन आपका बी होगा। नंद किशोर यादव ये बिहार विधानसभा के अभी में वर्तमान में यानी वो अध्यक्ष है, कौन, नंद किशोर यादव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का सिक्स है। क्वेश्चन कर आपका बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये आपका है नरेंद्र नारायण यादव। देखिए थोड़ा सा अंतर है, जो अध्यक्ष है विधानसभा का वो है नंद किशोर यादव, ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र नारायण यादव है, ठीक है। नाम में थोड़ा सा अंतर है, तो हो सकता है आपका कि मिस्टेक हो जाए दोनों में, तो आप अच्छे से उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका सेवन पर। क्वेश्चन सेवन आपका है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता है। तो यहाँ एक सवाल बनता है, जब विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है, तो पक्ष के नेता कौन है, इसको बोलते हैं पक्ष का नेता कौन है, यानी इसको सीधे बोलते हैं हम कि विधानसभा के नेता कौन है, तो ये है नीतीश कुमार। आपको पता है कि विधानसभा के नेता मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है, विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा में यानी पक्ष का नेता कौन है, नीतीश कुमार है, और विपक्ष के नेता कौन है, तेजस्वी यादव है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन एट है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है, क्या है बिहार विधान परिषद में, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बीपीएससी जो आपका 17वीं बीपीएससी होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए भी आपका ये महत्वपूर्ण है। ये मत समझिए कि ये वन लाइनर नहीं आएगा, आ सकता है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है, ये है राबड़ी देवी, ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है, तो राबड़ी देवी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान समय में बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो ये है आपका सम्राट चौधरी, ऑप्शन डी होगा। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री है। ध्यान रखिएगा सम्राट चौधरी ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है और साथ में वित्त मंत्री भी है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वो वित्त मंत्री भी है और विजय सिन्हा भी ये बिहार के उप मुख्यमंत्री है। यानी बिहार में दो उप मुख्यमंत्री है, एक है विजय सिन्हा और दूसरा आपका है यानी सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री भी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री कौन है? तो अभी देखिए ये आपका नीतीश कुमार है। बिहार में गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी है, ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार में इस बार पहली बार खेल विभाग अलग से बनाया गया है, इसीलिए आपके एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार में अभी खेल मंत्री कौन है। तो ये आपका है सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री है, ऑप्शन आपका बी होगा, सुरेंद्र मेहता, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये है आपका मंगल पांडे। मंगल पांडे वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका है केदार प्रसाद गुप्ता। केदार प्रसाद गुप्ता वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री है। ललन सिंह कौन है? तो आप जानते होंगे ललन सिंह ये भारत के पंचायती राज मंत्री है। ये भी तो है पंचायती राज मंत्री ही, लेकिन यह भारत के है पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। ठीक है, तो ये भारत के पंचायती राज मंत्री है, जबकि बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो केदार प्रसाद गुप्ता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री कौन है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यह हाई होगा। ठीक है, श्रम संसाधन मंत्री कौन है? तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, संतोष कुमार सिंह वर्तमान में बिहार के श्रम मंत्री है। तो 14 हो जाएगा ऑप्शन डी, संतोष कुमार सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर आपका बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जब से अतुल प्रसाद जी रिटायर किए हैं उसके बाद आपका बिहार में यानी बीपीएससी का बहुत सारे चेयरमैन बदल गया है। ठीक है, बहुत सारे चेयरमैन बदल गया है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा अभी जो है ये है परमार रवि मन्नू भाई। ध्यान रखिएगा वर्तमान में बीपीएससी के जो चेयरमैन है बिहार लोक सेवा आयोग, इसका जो चेयरमैन है वो है परमार रवि मन्नू भाई, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 कि वर्तमान में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? बिहार में वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो ये आपका मोहम्मद जमा खान। ध्यान रखिएगा मोहम्मद जमा खान बिहार में अल्पसंख्यक मंत्री है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान में बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री कौन है? यानी अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, जनक राम वर्तमान में बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री है। तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जनक राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर आपका वर्तमान में बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? वर्तमान में बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, हरीश सहनी वर्तमान में बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19 है कि वर्तमान में बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? तो ये है लेसी सिंह, ऑप्शन ए होगा। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? तो
लेसी सिंह है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 कह रहा है वर्तमान समय बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री कौन है। वर्तमान समय में बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री कौन है, ये है आपका नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा वर्तमान समय में बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, नीतीश मिश्रा। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार में बीजेपी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इससे पहले सम्राट चौधरी थे बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष, लेकिन इसे बदलकर अब बना दिया है दिलीप जसवाल को। देखिए ऑप्शन यहाँ सी लिखा गया है, तो आप सी ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, दिलीप जसवाल, ठीक है। तो बिहार में वर्तमान में बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाया गया है दिलीप जसवाल को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिलीप जसवाल क्या है, तो दिलीप जसवाल अभी वर्तमान में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है दिलीप जसवाल, ठीक है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार के मंत्रिमंडल और अन्य से संबंधित आपका प्रश्न था, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। चलिए एक बार हम इस सबको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, और पूरे बिहार के मंत्रिमंडल के हम लिस्ट को देख लेते हैं जो अभी तक का अपडेट है। यानी ये जो अपडेट है ये आपका अगस्त का अपडेट है, ठीक है, अगस्त का अपडेट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अभी तक का आपका अपडेट है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं जो आपका नया मंत्री बना है उसे देख लेते हैं एक बार लिस्ट को, ठीक है, यानी अपडेट लिस्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार क्या है, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री है, उसके साथ साथ उनके पास क्या है, तो सामान्य प्रशासन है, गृह है, और मंत्रिमंडल सचिवालय है, और निर्वाचन है, और ऐसे सभी विभाग है जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है, ठीक है। यानी ऐसे सभी विभाग है जो किसी के पास आवंटित नहीं किया गया, वो नीतीश कुमार के पास है। फिर आपका सेकेंड में आता है, सेकेंड आपका आता है कि सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी जो है ये बिहार का डिप्टी सीएम है, यानी उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, डिप्टी सीएम है, साथ में वित्त और वाणिज्य कर मंत्री है, यानी वित्त और वाणिज्य मंत्री भी है, कौन, तो सम्राट चौधरी। फिर आपका थर्ड में आता है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा भी बिहार के डिप्टी सीएम है, यानी उप मुख्यमंत्री है, साथ में पथ निर्माण, खनन, भूतत्व और कला और संस्कृति एवं युवा विभाग उनके पास है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका अगला है विजय चौधरी। तो विजय चौधरी के पास क्या है, तो विजय चौधरी के पास जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग है। फिर आपका है विजेंद्र प्रसाद यादव, उसके पास क्या है, तो ऊर्जा और योजना और विकास विभाग है। फिर आपका है प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, तो ध्यान रखिएगा बिहार के सहकारिता मंत्री कौन है, तो प्रेम कुमार है। इसके साथ साथ पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन विभाग भी प्रेम कुमार के पास है। फिर आपका है श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार के पास देखिए क्या है, ग्रामीण विकास विभाग है। तो आपसे पूछा जाए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो श्रवण कुमार है, ठीक। फिर आपका अगला है संतोष कुमार सुमन, ये क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन मंत्री है। फिर आपका सुमित कुमार सिंह, ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी विभाग, शिक्षा विभाग है, ठीक है, तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग अलग है, ये तकनीकी शिक्षा विभाग है सुमित कुमार सिंह के पास। फिर है रेणु सिंह, तो रेणु सिंह के पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। फिर है मंगल पांडे, स्वास्थ्य और कृषि विभाग है, यानी मंगल पांडे स्वास्थ्य और कृषि मंत्री दोनों है, ध्यान रखिएगा। नीरज कुमार सिंह बबलू, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। अशोक चौधरी, इसे ध्यान रखिएगा अशोक चौधरी को, तो अशोक चौधरी अभी है ग्रामीण कार्य मंत्री, ठीक है, अशोक चौधरी क्या है, ग्रामीण कार्य मंत्री है, ठीक। फिर आपका आगे आता है खाद्य और उपभोक्ता मंत्री, ये कौन है, तो ये है आपका लेसी सिंह, ठीक है, इसका हो जाएगा लेसी सिंह। लेसी सिंह क्या है, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है। फिर है मदन सहनी, ये है समाज कल्याण विभाग इनके पास है, यानी बिहार के समाज कल्याण मंत्री कौन है, मदन सहनी है। फिर आपका है
उद्योग और पर्यटन विभाग ये है नीतीश मिश्रा के पास। फिर है नगर विकास और आवास और विधि विभाग ये है नितिन नवीन के पास। फिर आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तो दिलीप जसवाल के पास, और इसे ध्यान रखिएगा दिलीप जसवाल को राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं और ये बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर आपका है सूचना और जनसंपर्क विभाग किसके पास है, महेश्वरी हजारी के पास है। परिवहन विभाग किसके पास है, शीला कुमार मंडल। सर यह मिस्टेक हमको मुझे लगता है ये शीला कुमारी है, ठीक है शीला कुमारी है, ध्यान रखिएगा शीला कुमारी है परिवहन विभाग, ठीक है। फिर आपका है शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग ध्यान रखिएगा क्योंकि बजट पर बिहार सबसे अधिक खर्चा किस पर करता है, शिक्षा विभाग पर ही करता है, इसीलिए आपका ये विभाग इम्पोर्टेंट होता है। तो शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार है, ध्यान रखिएगा सुनील कुमार शिक्षा मंत्री है। फिर आपका SC ST कल्याण मंत्री, अभी आपको बताए थे जनक राम। फिर आपका पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग किसके पास है, हरीश सहनी के पास। फिर आपका है गन्ना उद्योग विभाग किसके पास है, तो कृष्ण नंदन पासवान के पास। भवन निर्माण विभाग किसके पास है, जयंत राज के पास। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किसके पास है, जमा खान के पास। फिर है मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग किसके पास है, तो रत्नेश सदा के पास है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मद्य निषेध विभाग किसके पास है, रत्नेश सदा के पास है। पंचायती राज विभाग किसके पास है, केदार प्रसाद गुप्ता के पास है। खेल विभाग सुरेंद्र मेहता, खेल मंत्री भी याद रखिएगा सुरेंद्र मेहता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आपका है श्रम संसाधन विभाग, लास्ट में आपका है श्रम संसाधन विभाग संतोष सिंह, ठीक है श्रम संसाधन विभाग संतोष सिंह है। तो ये था आपका बिहार के आपका अपडेट मंत्रिमंडल, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है क्लास पूरे देखने के बाद इस लिस्ट को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ये अभी तक का आपका अपडेट है। तो इससे इसके आगे भी आपको जिस तरह से आज हम ये PPT फॉर्म में पढ़ा है, ध्यान रखिएगा ये इसको बोलते हैं PPT फॉर्म, तो PPT फॉर्म में पढ़ा है, इसी तरह से आपका आगे भी करेंट अफेयर का जितने भी आपका क्लास होगा अब आपका PPT फॉर्म में ही होगा। इसमें ये होता है कि सेपरेट रहता है, ठीक है PDF में पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन इसमें आपको पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है और आपका सेपरेट भी रहता है। तो आपका आगे से क्लास जो भी होगा करेंट अफेयर का इसी फॉर्मेट में होगा, PPT फॉर्मेट में ही होगा, यानी एक पेज में आपका एक ही प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका आगे क्लास होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसे लगा है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपका अभी 17वीं BPSC है आगे होने वाला, और आपका BPSC TRE 4 होने वाला है, ठीक है। तो दोनों के साथ में लेकर हम आपको क्लास करवाते हैं, कोई भी क्लास करवाएंगे तो आपको ये दोनों को ध्यान में रखकर आपको हम क्लास करवाते हैं। तो 17वीं BPSC का आप तैयारी कर रहे हैं चाहे TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास को देखिए। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये दोनों के लिए हम बिहार स्पेशल का आपका एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बिहार स्पेशल का, क्योंकि बिहार स्पेशल का आप बुक देखेंगे ना मार्केट में कोई भी बुक आपका सही नहीं है, सभी बुक में कुछ न कुछ आपका एरर मिलेगा। कोई भी बुक मार्केट से उठा लीजिए बिहार स्पेशल का, उस बुक में आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेगा ही, डाटा में हो चाहे किसी में हो, तो हर बुक में आपका डाटा अलग अलग मिलता है। इसीलिए आपको हम बिहार स्पेशल का एक क्लास करवाएंगे जिसमें आपका प्योर जो डाटा है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो 17वीं BPSC और TRE 4 के लिए हम बिहार स्पेशल का एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और इसी तरह आपको ये भी क्लास करवाएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है हमारे क्लास आपको अच्छा लगता है, तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू धन्यवाद।